हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हमारे सामने खड़ी है निसान मैगनाइट कूरो एडिशन के अंदर। आज की वीडियो में जो है हम ए टू जेड बात करने वाले हैं इस वेरिएंट के बारे में कि इस वाले वेरिएंट के अंदर आपको क्या कुछ जो है देखने को मिल जाता है, साथ में क्या कुछ डिफरेंट मिलेगा जो रेगुलर मैगनाइट आती है उसके कंपेरिजन में क्या कुछ अलग आएगा, उन सारी चीज़ों की बात करेंगे। फीचर्स क्या कुछ ऑफर करती है, प्राइसिंग क्या है आपको इस वेरियंट का देखने को मिलेगा, साथ में इंजन ऑप्शन कौन कौन से आते हैं, सब चीज़ों की बात जो है आज की वीडियो में जो है डिटेल में करने वाले हैं। तो करते हैं आज की वीडियो का स्टार्ट। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो 2 मिनट लगा के चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी ऐसी नई वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन जो है इजीली मिल जाए। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको इसकी चाबी दिखाता हूं, फिर बात करेंगे इसके शोरूम प्राइस की, एक्सटीरियर में क्या कुछ मिलेगा, और फिर चलेंगे इंटीरियर पे, और लास्ट में आप जो है डेफिनेटली से डिसाइड कर सकते हो कि क्या आपको कूरो एडिशन निसान मैगनाइट अंदर जो है कंसिडर करना है कि नहीं करना है। चाबी मैं आपको इस वेरियंट की दिखा देता हूँ। चाबी आप देखोगे तो चाबी आप देख लो, सेम टॉप एंड वेरियंट वाली चाबी जो है इसके अंदर आती है। सामने की तरफ आपको 2 बटन दिए गए हैं लॉक अनलॉक करने के लिए, और निसान की बड़ी सी बैजिंग आपको देखने मिल जाएगी। और पीछे आपको दिखाऊँ तो फिजिकल की निकालना चाहते हो तो उसको ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा, और जो दूसरी चाबी है वो भी बिल्कुल आपको सेम ही देखने को मिलती है, 2 बटन उसके अंदर भी आते हैं। चाबी में यही सारी चीजें मिलती हैं, साथ में मैंने वेरिएंट जैसे बताया था ये कूरो एडिशन है, स्पेशल एडिशन है, इसके अंदर आपको मल्टीपल एडिशन साथ में वेरिएंट्स भी देखने मिल जाते हैं। तो उन सारी चीजों के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, साथ में आपको डीलरशिप के कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिल जाएंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आपका प्लान बनता है निसान की किसी भी गाड़ी के लिए तो आप डेफिनेटली इसे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा इस वेरियंट के एक्सशोरूम प्राइस की बात करें तो ये वाला वेरियंट आपको कॉस्ट करता है 8,38,000 रुपीज ऑन रोड के लिए, आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। कूरो एडिशन की स्पेशल चीज ये है कि ये आपको सिर्फ ब्लैक कलर के अंदर देखने को मिलता है, जहाँ पे टाटा वगैरह में भी आपने देखा होगा डार्क एडिशन, और मल्टीपल कार्स मैन्युफैक्चरर जो है ब्लैक कलर अपना निकाल रहे हैं, तो वहाँ पे निसान ने भी अपनी मैग्नाइट के अंदर आपको ये कलर और देने की जो है कोशिश की है। क्या कुछ मिलता है आइए बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आप देखोगे निसान का बड़ा सा आपको लोगो देखने को मिलेगा, बैजिंग यहाँ पे की गई है, और जो फ्रंट ग्रिल है वो आपको डार्क ग्रे कलर में देखने को मिलेगी, जबकि इसके जो नॉर्मल वेरियंट्स आते हैं उनके अंदर थोड़ी सी अलग आती है। साथ में यहाँ पे आप देखोगे तो इसका फ्रंट कैमरा दिया गया है, इस वाले वेरियंट के अंदर आपको जो है 360 व्यू कैमरा भी देखने को मिल जाता है। साथ में कभी कार खराब हो जाए, टो करना चाहते हो तो उसका ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, कोई भी फॉग लैंप का ऑप्शन नहीं आता है, वो सिर्फ आपको टॉप एंड वेरिएंट के अंदर देखने को मिलेगा। अगर आप टॉप वेरिएंट देखना चाहते हो तो आई बटन में वीडियो आ जाएगी, वो जरूर से देख लेना। जो डीआरएल्स वगैरह है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और जो इसकी हेडलाइट वो आपको रिफ्लेक्टर सेटअप के साथ देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो आपको इसका इंडिकेटर दिया गया है, पूरा जो है हेलोजन सेटअप आपको देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस वगैरह कैसी है वो मैं एक रनिंग शॉट लगा दूंगा, आप उसमें जो एग्जैक्ट देख सकते हो। तो फ्रंट से तो आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती है, सिमिलर सेटअप आपको यहाँ पे भी दिया गया है। सामने से बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे तो 2 वाइपर आपको देखने को मिल जाते हैं, 2 वॉशर यहाँ पे आपको प्लेस किए गए, कोई भी रेन सेंसिंग वाइपर वगैरह का ऑप्शन नहीं आता है। लेफ्ट साइड से बात करोगे तो एक बार मैं आपको पूरी कार दिखा देता हूँ, पूरी कार पे बॉडी क्लैडिंग और व्हील आर्चेस आपको देखने को मिल जाते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे फेंडर पे तो सबसे पहले निसान मैग्नेट की बैजिंग आपको देखने को मिलेगी, साथ में कूरो एडिशन के बैजिंग भी आते हैं। इसके अंदर रेड एडिशन, गीजा एडिशन, मल्टीपल एडिशन जो है आते हैं, अपने हिसाब से आप जो है डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा आपको वेरियंट लेना है, कौन सा एडिशन लेना है। तो वो सारी चीज़ें जो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। उसके अलावा जैसे आप इसके व्हील्स देखोगे तो जो टॉप वेरियंट आता है उसके अंदर आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स का ऑप्शन मिलता है, जबकि कूरो एडिशन के अंदर आपको ऑल ब्लैक अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे। सामने जो इसका टॉप वेरिएंट खड़ा है वो आप देख ही सकते हो, साथ में हेडलाइट वगैरह भी थोड़ी सी फर्क है, मैं एक बार कोशिश करता हूँ आपको दिख जाए। तो इसके अंदर प्रोजेक्टर वगैरह हेडलाइट आती है, और इस वाले के अंदर आपको रिफ्लेक्टर सेटअप देखने को मिलेगा, बाकी आप डिटेल कंपैरिजन भी देख सकते हो। साथ में बात करते हैं अपने व्हील्स की, तो जैसे मैं बता रहा था ये इसके अंदर आपको ऑल ब्लैक व्हील्स मिलते हैं, साथ में निसान का लोगो आपको देखने को मिल जाएगा, और जो ब्रेक कैलिपर्स है वो आपको रेड फिनिशिंग के साथ देखने को मिलेंगे। जो इसका टायर है वो मैं आपको दिखाऊँ तो सीएट का सिक्योर ड्राइव टायर आपको इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड देखने को मिलेगा, जिसका प्रोफाइल है 195/60R 16 इंचेस के जो इसका रिम का साइज आपको यहाँ पे दिया गया है। अब बात रही सस्पेंशन वगैरह की तो आगे आपको मैकपर्सन देखने को मिलते हैं, पीछे आपको कपल टॉर्जन एक्सल बीम के साथ जो है सस्पेंशन दिए गए हैं, कॉइल स्प्रिंग आगे पीछे आपको सेम ही देखने को मिलती है। उसके अलावा एबीएस सीबीडी जो है आपको स्टैंडर्ड ही देखने को मिलता है, और ए पिलर की बात करें तो ये भी आपको बॉडी कलर दिया गया है, ये भी आपको बॉडी कलर देखने को मिलेगा। पूरा जो थीम है ओवरऑल कार की वो आपको ऑल ब्लैक देने की कोशिश जो है निसान की तरफ से की गई है। साथ में मिरर्स की बात करें तो ये भी आपको ऑल ब्लैक देखने को मिलेंगे, इंडिकेटर्स यहाँ पे दिया गया है, कैमरा आप इसका जो है यहाँ पे देख सकते हो। साथ में इसमें आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट टू फोल्ड दोनों का ऑप्शन जो है आपको देखने को मिल जाता है, कोई भी लोअर गार्निश नहीं आएगी, और जो बी पिलर है वो आपको मैट फिनिश के अंदर यहाँ पे जो है दिया गया है, और सेम बॉडी कलर आपको डोर हैंडल्स देखने को मिलेंगे, रिक्वायर सेंसर ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों साइड आपको देखने को मिलता है। पीछे आ जाएं तो पीछे से एक बार मैं आपको कंप्लीट कार चेक करा देता हूं, पीछे से एक बार आप जो है कंप्लीट कार देख लो। ऊपर से स्टार्ट करें
तो यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना इसका देखने को मिल जाएगा, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर यहाँ पे आपको दिया गया है, हाई माउंट स्टॉप लैंप मिलेगी जो कि एलईडी बेस्ड है, वॉशर यहाँ पे प्लेस किया गया है, पाल निसान की बेजिंग है। अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो मैं नंबर यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप डेफिनेटली सेल्स वगैरह में जो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके अलावा रियर वाइपर, डिफॉगर, दोनों चीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, और निसान का लोगो यहाँ पे भी आपको दिया गया है। बड़ी सी मैग्नेट की बेजिंग है। रिवर्स कैमरा दिखाऊँ तो वो जो आप यहाँ पे देख लो, सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स आपको देखने मिल जाएंगे, चार सेंसर्स भी दिए गए हैं, और बाकी तो पीछे ये सारी चीजें आती हैं। लाइट्स की बात करें तो एलईडी सेटअप आपको देखने को मिलेगा, इंडिकेटर्स यहाँ पे दिए गए हैं, बैक लाइट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, और एग्जॉस्ट टेल पाइप दिखाता हूँ यहाँ पे, आप देख लो इसका एग्जॉस्ट टेल पाइप, और सस्पेंशन जो है आपको कुछ इस तरीके का जो है इसका देखने को मिलता है। तो रियर में ये सारी चीजें आएंगी। अब मैं आपको उसका बूट और खोल के दिखाऊँ, तो यहाँ पे जो है इसका बटन दिया गया, जैसे आप इसको प्रेस करोगे तो बूट जो है रिलीज हो जाता है। इस वाले वेरिएंट के अंदर पार्शियल ट्रे आपको देखने को मिल जाएगी, 60-40 स्पीड फंक्शन आपको दिया गया है, साथ में दो आप एडजस्टेबल इसके हेडरेस्ट देख सकते हो, बीच वाले के लिए नहीं आता है। बाकी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो लाइट मिल जाएगी आपको, यूटिलिटी का हुक यहाँ पे भी दिया गया है, और सेम इस साइड भी आपको हुक मिलेगा, बट कोई भी ऐसा बेजिंग वगैरह मेंशन नहीं की गई है कि कितना केजी तक आप इस पे जो है वेट डाल सकते हो। उसके अलावा टूल किट यहाँ पे रखी गई है, और यहाँ पे आप मैं आपको दिखाऊं तो सेफ्टी रिफ्लेक्टर है। और स्पेयर व्हील की बात करें तो यहाँ पे जो टायर है वो आपको सीएट का देखने को मिलेगा, जो इसकी प्रोफाइल है वो मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देख लो 165/80R14 दो साइज जो है आपको छोटा यहाँ पे देखने को मिलेगा, और साथ में रेड फिनिशिंग के साथ है तो इतना अच्छा भी नहीं लगेगा। पंचर वगैरह हो जाए तो आप इसको डेफिनेटली जल्दी से रिपेयर करा लो, नहीं तो ये थोड़ा सा अजीब लगेगा। उसके अलावा ग्रैब हैंडल जो है यहाँ पे आपको दिया है, कोई भी इमरजेंसी एग्जिट का ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलता है, तो इसको तो कर देते क्लोज, पीछे आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। उसके अलावा यहाँ से फिल करोगे आप इसके अंदर पेट्रोल, दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, एक नेचुरली एस्पिरेटेड, दूसरा टर्बो। दोनों की डिटेल्स जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा आपको किस किस प्राइस रेंज में आपको देखने मिल जाता है। उसके अलावा बॉडी डायमेंशंस की बात करें तो 3.99 मीटर की आपको यहाँ पर लेंथ देखने मिलती है, और 1.55 मीटर की जो है आपको हाइट देखने मिलेगी, जो कि स्टैंडर्ड है बेस वेरिएंट से लेकर टॉप एंड वेरिएंट तक। उसके अलावा ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह की बात करें तो यहाँ पे आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने मिलता है, जो कि सेगमेंट में कोई और ब्रांड ना कोई और कार आपको ऑफर करेगी इतना ग्राउंड क्लियर। साथ में अप्रोच एंगल वगैरह की बात करें तो वो भी आपको ठीक सही लगेगा, ऐसे वैसे खास कुछ ज्यादा है नहीं। इंडियन कंडीशन के हिसाब से बात करोगे तो ऐसी कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। साथ में निसान मैग्नेट की बेजिंग आप यहाँ पे भी जो है देख सकते हो। चलते हैं अपने इंटीरियर पे, तो एक्सटीरियर में तो बेसिक सी ये सारी चीज आपको देखने मिलेंगी। कूरो एडिशन की स्पेशल चीज ये है कि सबसे पहले तो जो इसकी थीम है ओवरऑल कार की, वो आपको ऑल ब्लैक जो है दी गई है, साथ में व्हील्स वगैरह सारे जो है, और जो आप इसके ब्रेक कैलिपर्स देख सकते हो वो यहाँ पे जो है रेड दिए गए। जबकि मैं आपको ये नॉर्मल वाला एडिशन दिखाऊं तो यहाँ पे ब्रेक कैलिपर नॉर्मल आते हैं, और इसमें डुअल टोन वगैरह का भी ऑप्शन आता है। अगर वो वीडियो देखना चाहते हो मैं आई बटन में पिन कर दूंगा, वहां से आप देख लेना। उसके अलावा अब अंदर चल लेते हैं। डोर ट्रिम आपको कुछ इस तरीके से जो है देखने को मिलेगी, यहाँ पे फैब्रिक का यूज मिल जाएगा, और डुअल स्टिचिंग है। पियानो फिनिश का यूज यहाँ पे भी आपको दिया गया है, पावर विंडो का स्विच यहाँ पे आपको मिल जाएगा, सेम पियानो फिनिश में डोर लीवर है, और जो सेंटर लॉकिंग का बटन आपको मिलता है वो आपको सेम थोड़ा सा ऑल्टो वाली आज जो है यहाँ पे आ जाएगी। साथ में जो म्यूजिक सिस्टम इसके अंदर आता है वो चार स्पीकर्स का आपको देखने को मिलेगा, ट्यूटर्स वगैरह इसके अंदर नहीं आते। बाकी मैं ड्राइवर साइड जब आपको लेके जाऊंगा कन्फर्म कर दूंगा, ना ही कोई स्कफलेट वगैरह आपको देखने को मिलेगी। और जो सीट्स हैं वो आपको थोड़ी सी डिफरेंट देखने को मिलेंगी, डुअल टोन आती है ब्लैक विद अपना इस तरीके का टेक्सचर है, इसको आप क्रीम इस कलर बोलो या व्हाइट कलर बोलो वो आपके टेस्ट के हिसाब से। बाकी नीचे आइसोफिक्स चेलसीट माउंटिंग्स भी आपको देखने मिल जाते हैं, हेडरेस्ट आप एक देख ही सकते हो। अंदर चलें, इसको कर लेते हैं क्लोज। डोर थर्ड आपको कुछ इस तरीके से जो है यहाँ पे सुनने को मिलेगी। आर्मरेस्ट की बात करें तो दो आपको कप होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे भी छोटी सी स्पेस है, फोन वगैरह अपना खड़ा करके रखना चाहते हो तो डेफिनेटली यहाँ पे रख सकते हो। और सीट फोल्डिंग की बात करें, यहाँ पे लीवर दिया गया है, इस तरीके से आप जो है सीट को फोल्ड कर सकते हो, ये अच्छी चीज है यहाँ पे। उसके अलावा जैसे क्यूरो एडिशन है तो इसकी आपको रूफ भी ब्लैक देखने को मिलेगी, जबकि जो नॉर्मल एडिशन आते हैं उनके अंदर जो है लाइट कलर की रूफ आती है। यहाँ पे लाइटिंग की बात करें तो हेलोजन बेस्ड आपको सेटअप देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे जो है सॉफ्ट ओपनिंग के साथ ग्रैब हैंडल आएगा, कोटुक नहीं आता है। और इस जगह पे भी दिखाऊं सिमिलर आप सिर्फ अपना ग्रैब हैंडल मिलेगा, कोटुक यहाँ पे भी नहीं आता। छोटा सा सीपलर पे आपको ग्लास भी दिया गया है, इस चीज के लिए आप कमेंट में जरूर बता देना क्या सोचते हो, ग्लास अच्छा लग रहा है कि नहीं, वो चीज आप कमेंट में बता सकते हो जरूर से। अब सीटिंग वगैरह की बात करें तो सबसे पहले तो ये वाली सीट पूरा पीछे है, तो स्पेस आप देख लो, इतना कुछ आपको स्पेस मिल जाएगा। अगर आपकी हाइट 5'8" के आसपास है तो भी डेफिनेटली आप इसके अंदर कंफर्टेबल जो है बैठ सकते हो। साथ में पॉकेट दी गई है, सेम को ड्राइवर सीट के पीछे भी पॉकेट मिल जाएगी, दो आपके एडजस्टेबल यहाँ पे हेडरेस्ट दिए गए हैं। और अपनी सीट बेल्ट की बात करें, आपको एडजस्टेबल का ऑप्शन नहीं मिलता है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट आएंगी, प्री टेंशन एंड लो लिमिटर के साथ। उसके अलावा आर्मरेस्ट आपको दी गई है जिसपे सेम फैब्रिक का यूज है, जो कि आपको डोर ट्रिम पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे बात करोगे तो दो आपको इस इवेंट्स मिल जाएंगे, इसके फ्लो को आप यहाँ से जो है कंट्रोल कर सकते हो। साथ में 12V का एक आउटलेट आपको दिया गया है, फ्लोर हम ऑलमोस्ट नेग्लेजेबल है तो 3 पैसेंजर कंफर्टेबली बैठ सकते हो। और साथ में जो ये वाला पोर्शन है ये भी अच्छा खासा चौड़ा है और ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो बीच वाला जो बंदा है इसके अंदर कंफर्टेबली लॉन्ग ड्राइव वगैरह पे जा सकता है। बाकी अगर आप बच्चे को
बैठाओगे तो और ज्यादा जो है ये कंफर्टेबल उसके लिए बन जाएगी। तो पीछे तो ज्यादा कुछ आता है नहीं इसके अंदर, पूरा एडिशन के अंदर बेसिकली थीम वगैरह और छोटे कॉस्मेटिक फीचर्स वगैरह का जो है इसके अंदर फर्क है। बाकी अब ड्राइवर साइड पे और लेके चल लेता हूँ, वहाँ पे और देखते हैं वहाँ पे आपको क्या कुछ और मिल जाता है। सेम क्वेश्चन सर आपको यहाँ पे भी दिया गया है, और कभी की बैटरी डेड हो जाए तो फिजिकल की लगाने का ऑप्शन यहाँ पे भी आपको मिल जाता है। अपनी डोर ट्रिम वगैरह की बात करें सेम देखने को मिलेगी, फर्क आएगा यहाँ पे आप देखो, चारों पावर विंडोज मिल जाएगी, ऑटो अप ऑटो डाउन आपको ड्राइवर साइड मिल जाती है, चाइल्ड सेफ्टी का बटन है, ORVM के सारे कंट्रोल्स, डोर लीवर, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो स्पीकर आपको यहाँ पे जो है दिया गया है, बड़ा सा आपको 1 लीटर का बोतल होल्डर मिल जाएगा, साइड में छोटी सी स्पेस है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो कोई भी स्कफलेट वगैरह नहीं आती है, बट अगर आप चाहते हो तो एसेसरीज में आपको मल्टीपल ऑप्शंस भी मिल जाते हैं इसके अंदर, और जो प्रेशर वगैरह आपको फिल करना है वो आप डेफिनेटली यहाँ से पढ़ के जो है इसके अंदर रख सकते हो। और अपनी ड्राइवर सीट की बात करें तो यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टेबल लीवर मिल जाएगा, और रिक्लाइन एंगल चेंज करना चाहते हो तो उसका ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया गया। सेम सीट्स आएंगी, कोई भी फर्क नहीं है, कोई भी S6 एयरबैग स्टैंडर्ड फीचर्स भी इसके अंदर नहीं आते हैं। डुअल सेटअप आपको देखने मिलेगा, साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल जरूर से दिया गया। हेडलाइट लेवलर आप देख लो, यहाँ से ओपन करोगे इसका फ्यूल कैप, और 3 पेडल्स हैं क्योंकि मैनुअल वेरिएंट है, इसके अंदर आपको AMT का ऑप्शन भी मिल जाता है। अगर आप ऑटोमेटिक में लेना चाहते हो तो डेफिनेटली ले सकते हो, वैसे ऑटोमेटिक तो थोड़ा गलत ही बोल दिया, बाकी आप AMT बोल सकते हो तो ज्यादा एग्जैक्ट ठीक रहेगा। उसके अलावा डैशबोर्ड का एग्जैक्ट लेआउट जो है देख लो, ऐसा कुछ आपको देखने मिलेगा, साथ में यहाँ पे जो टेक्सचर है और जो फिनिशिंग है वो थोड़ी सी स्मूथर टाइप पे है, हार्श टाइप की फिनिशिंग नहीं है, और जो एयरबैग की वेजिंग है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, साथ में एयरबैग की वेजिंग यहाँ पे भी की गई है, और जो इन्फोटेनमेंट आएगा वो आपको बेसिक वाला देखने को मिलता है जो कि आपको 7 इंच का देखने को मिलेगा। क्या कुछ आएगा अभी मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा इसके बारे में, उससे पहले आप दो इसके इवेंट्स देख लो, और जो डैशबोर्ड है वो आपको हार्ड देखने को मिलेगा, मैनुअल डिमिंग IRVM आपको दिया गया है। लाइट्स की बात करें तो हेलोजन बेस्ड यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है, माइक तो आई थिंक यहाँ पे है, बट ये चीज क्या है ये आप कमेंट में जरूर बताना, मुझे थोड़ा सा इसके बारे में पता नहीं है, बाकी मैं मेंशन कर दूंगा और मुझे पता पड़ेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो कोई भी टिकट होल्डर वगैरह का नहीं आता है, और ये भी आपको जो है ब्लैक फिनिशिंग के अंदर ही देखने को मिलते हैं। उसके अलावा इधर देखें मैं, यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर देखने को मिल जाएगा, कोई भी टिकट होल्डर वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे भी नहीं आता है, ग्रैब हैंडल आएगा, और यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो इस साइज का आपको जो है बड़े साइज का ग्लो बॉक्स देखने को मिलता है, साथ में लाइटिंग भी आपको देखने को मिल जाती है, तो ये जरूर से बेटर चीज है इसके अंदर। बाकी साइजिंग में बहुत बढ़िया है, निसान वगैरह और या फिर अपने रेनो की कार्स में ग्लो बॉक्स का साइज है वो बहुत बड़ा ही आता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो इसके अंदर ऑटोमेटिक AC आपको देखने को मिल जाएगा, साथ में वायरलेस चार्जर आपको आता है, यहाँ पे इसका बटन आप देख सकते हो, इंजन स्टार्ट बटन यहाँ पे आपको दिया गया है, और नीचे मैं आपको दिखाऊं तो एक 12V का पावर आउटलेट आपको देखने को मिल जाएगा, USB A टाइप चार्जिंग पोर्ट है, फोन वगैरह रखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे भी रख सकते हो। मैनुअल ट्रांसमिशन मैंने आपको दिखाई दिया, 5 स्पीड का आपको देखने को मिलेगा, सेम 5 स्पीड का AMT ट्रांसमिशन आता है, साथ में 2 कप होल्डर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, मैनुअल हैंडब्रेक यहाँ पे आपको दिया गया है, और आर्म रेस्ट की बात करें ना ही आप इसको ओपन कर सकते हो ना ही आप इसको स्लाइड कर सकते हो, तो ये चीज आपको यहाँ पे जो है जरूर से थोड़ी डिसएडवांटेज इसके अंदर लग सकता है कि कुछ भी ऑप्शन नहीं दिया है, बट हाँ अगर आप अपने कंफर्ट के हिसाब से देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको फील होगा। उसके अलावा जो स्टीयरिंग व्हील है वो आपको कुछ बेसिक वाला देखने का मिलता है, नीचे से फ्लैट है बट इतना ज्यादा फ्लैट नहीं है, साथ में पियानो फिनिशिंग का यहाँ पे जो है यूज मिल जाता है, इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स है, यहाँ पे आपको MID के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। हेडलाइट वगैरह की बात करें तो वो आप देख लो नॉर्मल वाली आती है, कोई भी ऑटोमेटिक वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा, और जो वाइपर्स के कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। स्टीयरिंग की एडजस्टमेंट की बात करें तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको सिर्फ टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं आता है। अब जो है एक बार इग्निशन को ऑन करते हैं, सिंगल प्रेस में आपकी जो है ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन हो जाएगा, फुल स्वैप अप मीटर मिलता है, साथ में यहाँ पे आप निशान वगैरह की बैजिंग देख ही सकते हो। ये अच्छी चीज है कि एक बार प्रेस करके आप सारी चीजें ऑन कर सकते हो। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो कूलेंट टेम्परेचर वगैरह दिया गया है, टाइम आप देख सकते हो, आउटसाइड टेम्परेचर आप यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा वार्निंग लाइट्स है, बैटरी अभी लो है तो उसकी वार्निंग्स ये दिखा रहा है, गाड़ी कितना चल चुकी है ट्रिप है और ट्रिप बी के अंदर, और टोटल किलोमीटर कितने चल चुके हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे जो है गाड़ी में तेल कितना है वो यहाँ पे दिखाता है। टॉगल करें तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इस तरीके से आप टॉगल करोगे तो यहाँ पे आप मल्टीपल लेआउट्स में चेंज कर सकते हो, साथ में एवरेज वगैरह कितना गाड़ी दे रही है वो आप देख सकते हो। नीचे स्लाइड करोगे तो यहाँ पे आप रियल टाइम में देख सकते हो कि कितना ग्राफिकल वे में कि कितना एवरेज वे गाड़ी ने दिया है वो देख सकते हो, और टॉगल करोगे तो थोड़ा सा लेजी सा हल्का सा टेकोमीटर रीडिंग्स आ जाएंगी, यहाँ पे आप रियल टाइम में एवरेज ड्राइव कंप्यूटर ए वगैरह देख सकते हो, नीचे दिखाऊं तो बी कंप्यूटर देख सकते हो, मतलब ट्रिप ए और ट्रिप बी की ये जो बात कर रहा है। उसके अलावा टॉगल करें तो इस तरीके से मेंशन किया है कि कंप्यूटर मतलब क्या ही लग रहा है, बट हाँ ये ट्रिप ए और ट्रिप बी के बारे में, साथ में TPMS वगैरह आपको देखने मिल जाएगा। और क्लिक करें तो मैं आपको एक बार और दिखाता हूँ, यहाँ पे सर्विस इंटरवल यहाँ पे आपको दिखाता है, डिमिंग कंट्रोल है, ये सारी चीजें जो है बेसिक से आपको देखने को मिलती हैं। और अपने इंफोटेनमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो आप 360 व्यूज का कैमरा देखो,
ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही बेकार क्वालिटी का कैमरा जो है इसके अंदर यूज किया हुआ है, पता नहीं क्यों ही दिया है, क्या ही रिक्वायरमेंट पड़ गई कि 360 व्यू कैमरा देना है, इससे बढ़िया रिवर्स का दे देते सिर्फ। पिक्सल्स इतने ज्यादा, लिटरली इतने ज्यादा फट रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप देखोगे तो आपको जो है पता चलेगा। उसके अलावा होम पे मैं आ चल लेता हूँ, इसके बारे में ज्यादा कुछ खास बात करने लायक है नहीं। होम पे चले तो जैसे आप इसको प्रेस करोगे तो इस तरीके का आपको जो है मेन्यू देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर रेडियो, मीडिया, फोन, ड्राइविंग, इको, सेटिंग्स और स्मार्टफोन इंटीग्रेशन में मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अभी कोई ऐड नहीं है। और एक और चीज बताऊं मैं आपको इससे रिलेटेड, यहाँ पे आपको कोई भी एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो का ऑप्शन नहीं देखने मिलता है। साथ में वॉल्यूम कम ज्यादा करना चाहते हो उसका ऑप्शन मिल जाएगा, और डायरेक्ट होम पे जाना चाहते हो तो उसका भी ऑप्शन मिल जाता है। सेटिंग्स में देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे वॉल्यूम स्पीड सिस्टम है, साथ में लाउडनेस वगैरह है, बैलेंस फेडर, साउंड, साउंड में देखें तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो है सेट कर सकते हो। ऑडियो डिस्प्ले और डिस्प्ले में ब्राइटनेस वगैरह कितनी चाहिए, कोई भी ऐसा बार नहीं है, सिर्फ आप लो, मीडियम, हाई में जो है सेलेक्ट कर सकते हो। डे एंड नाइट मोड है। और डिवाइसेस वगैरह में देखें तो ये नॉर्मल है, डिवाइस मैनेजर, ब्लूटूथ ऑप्शन, वाईफाई वगैरह। सिस्टम्स में देखें तो यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह आप चेंज कर सकते हो, रिफैक्टरी रीसेट है, और वर्जन कौन सा है इसके अंदर, वो सारी चीजें तो बहुत ही बेसिक सा है। ये लगा लो, ये लगा स्क्रीन ही है, बाकी तो ये ब्लूटूथ वाला म्यूजिक सिस्टम आप इसे समझ सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है आपको ओवरऑल कैबिन के अंदर देखने को मिलेंगी, इंटीरियर में कुरो एडिशन के अंदर, अगर आप निसान मैग्नेट का प्लान कर रहे हो। साथ में अब मैं आपको इसका इंजन दिखा देता हूँ, इंजन में आपको क्या कुछ मिलेगा। इसको तो सबसे पहले कर देते हैं बंद अपने को, और इसका खोलने का ऑप्शन जो है यहाँ पे इतना अंदर को दिया गया है, इसको जैसे आप खींचोगे तो बोनेट जो है ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाता है। एक और बार बंद कर देते हैं, तो लेके चलता हूँ आपको, फोन उठाते हैं, देखते हैं क्या कुछ मिलता है। वैसे ये वाला इंजन जो मैं आपको बता रहा था स्टार्टिंग में, शायद मैंने बताया है कि नहीं, इसके ये वाला जो है हमारे सामने नेचुरली एस्पिरेटेड के साथ है। और बोनट की वेट वगैरह की बात करोगे तो डेफिनेटली आपको फील होगा मारुति की कई कार्स में, हुंडई वगैरह से अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो बोनट में वेट है। साथ में इंसुलेशन वगैरह भी दी गई है, और जो इंजन का लेआउट है वो एक बार आप ओवरऑल चेक कर लो। यहाँ पे आपको एक्सटर्नल बैटरी मिल जाएगी, इसको जल्दी से स्टैंड पर लगाते हैं, फिर और डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में। पैक्स की तो यहाँ पर मिलेगा आपको 1.0 लीटर का इनलाइन 3 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। इसके पावर फिगर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 76 bhp के पावर और 91 nm का टॉर्क जो आपको देखने मिलता है। अगर ये पावर फिगर्स आपको थोड़े से कम लग रहे हैं तो आप इसके टर्बो वेरिएंट पे भी जा सकते हो, उसमें थोड़ी सी आपको पावर वगैरह ज्यादा मिल जाएगी। साथ में ये वाला इंजन जो है थोड़ा सा आपको एवरेज वगैरह दे देगा, अगर आप टर्बो की बात करोगे तो थोड़ा सा आपको कम मिलेगा। जो कंपनी क्लेम कर रही है इसका ARI एवरेज, वो आपको 18.5 का देखने मिलेगा 40 लीटर के पेट्रोल टैंक से। और यहाँ से फिल करोगे आप इसके अंदर कूलेंट, वॉशर फिल करने की बात करें तो वो ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे दिया गया है। साथ में स्टैंडर्ड वारंटी आपको 1 लाख किलोमीटर थियर के देखने मिलेगी, जिसको कि आप 5 साल तक के एक्सटेंड भी करा सकते हो। तो ये सारी चीजें जो है आपको क्यूरो एडिशन के अंदर देखने मिलती है। बेसिकली सबसे पहले तो ये आपको नया कलर इसके अंदर देखने मिल जाएगा, अलॉय व्हील जो है वो भी आपको डार्क कलर में देखने मिलेंगे। साथ में जो कैलिपर्स है वो आपको रेड फिनिशिंग में दिए गए हैं, जैसे टर्बो वेरियंट्स वगैरह में आते हैं। साथ में 360 व्यू कैमरा आपको एड ऑन मिल जाता है, और ये ब्लैक कलर तो है ही है, बाकी आप बता सकते हो अपनी राय कमेंट में कि क्या आप सोचते हो इस क्यूरो एडिशन के बारे में। अगर आपका प्लान बनता है निसान की किसी भी कार के लिए तो कॉन्टैक्ट डिटेल जो है डीलरशिप की आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएंगी। तो करते हैं आज की वीडियो का एंड, वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच, और मिलेंगे एक और ऐसी नई वीडियो के अंदर। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर सकते हो।